नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 15वें अध्याय हमारे चारों ओर वायु के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में जितना सीखा था एक बार उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है। हमने वायु के कुछ गुणधर्मों को भी देखा। हमने देखा कि वायु स्थान घेरती है, वायु का कोई रंग नहीं होता, हम उसके आर पार देख सकते हैं, यह पारदर्शी होती है, वायु अनेकों गैसों और धूल के कणों तथा वाष्प की बनी होती है। हमने यह देखा कि वायु में जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा धूल और धुएं जैसे घटक होते हैं। हमारे वायु में लगभग 78% जितनी नाइट्रोजन गैस है, 21% जितनी ऑक्सीजन गैस है और 1% जितने भाग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा अन्य गैसें देखने को मिलती हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसें मिलकर के वायु का लगभग 99% जितना भाग बनाती हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। हम सभी जानते हैं कि मछली, स्टारफिश या कछुए जैसे काफी गहरी सतह पर या तो कम गहरी सतह पर रहकर के अपना जीवन यापन करते हैं और पानी में रही हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग ही यह श्वसन की प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो क्या पानी में भी वायु रही हुई होती है? उसे समझने के लिए हमें क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसे धीरे धीरे गर्म करना है और पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को ध्यान से देखना है। जब आप ध्यान पूर्वक इसका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि छोटे छोटे बुलबुले इसकी सतह से चिपके हुए देखने को मिलेंगे और यही बुलबुले धीरे धीरे पानी के गर्म होने पर ऊपर की तरफ उठते हुए दिखाई देंगे। ये बुलबुले इस चीज का संकेत करते हैं कि पानी में वायु घुली हुई है। यह पानी में घुली हुई वायु के कारण ही बुलबुले देखने को मिलते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, जो मछलियां हैं, स्टारफिश हैं या कछुए जैसे जो जीव हैं, वे पानी में घुली हुई वायु का उपयोग ही अपने श्वसन की प्रक्रिया के लिए करते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कुछ ऐसे जीवों की जो कि जमीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं, जैसे कि केचुआ, मेंढक या सांप जैसे जीव। यह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं रहते, यह जमीन के अंदर बिल बना करके रहते हैं जो कि मिट्टी के कणों के बीच में रही हुई वायु का उपयोग करके श्वसन की प्रक्रिया को करते हैं। तो क्या मिट्टी के कणों के बीच में भी वायु होती है? इसे समझने के लिए भी हम क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें एक बीकर या कांच के ग्लास में सूखी मिट्टी का एक ढेला ले लेना है और उस पर थोड़ा सा पानी डाल देना है और ध्यान पूर्वक अवलोकन करना है। चलिए इसी प्रकार किए गए क्रियाकलाप का हम आपने इस क्रियाकलाप में देखा कि मिट्टी में से बुलबुले निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, ये बुलबुले इस चीज का संकेत करते हैं कि मिट्टी में वास्तव में वायु उपस्थित होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डालते हैं या मिट्टी के ढेले को पानी में डालते हैं, तब उसमें जो वायु रही हुई है वह विस्थापित हो जाती है, यानी वे अलग अलग होना शुरू हो जाती है, जो कि बुलबुले के रूप में हमें दिखाई देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वायु पानी से हल्की होने के कारण वे पानी की सतह से ऊपर उठने की कोशिश करती है, वह बुलबुले के रूप में ही पानी की सतह से ऊपर उठती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं या जो पौधे हैं, उनकी जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करती हैं। इस प्रकार जो जंतु बिल में रहते हैं, ये जो वनस्पतियां हैं, उनकी जड़ें मिट्टी के कणों के बीच में रही हुई वायु का ही उपयोग अपने श्वसन की प्रक्रिया के लिए करती हैं। कई बार विद्यार्थी मित्रों, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि इन बिल में रहने वाले जो जीव हैं, इनके बिल के अंदर पानी भर जाता है, जिसके कारण इन जीवों को श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए तकलीफ उत्पन्न होती है और इसी के कारण बरसात के दिनों में यह जीव अपने बिल में से निकल करके बाहर आ जाते हैं
हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इन जीवों को भी जीने का हक है और इनको जीने के लिए जो वायु है वह बिल में से बाहर आकर के ही प्राप्त होती है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, हम चर्चा करते हैं क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे विस्थापित होती है। हम सभी जानते हैं कि जो वनस्पतियां हैं वे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके पानी की मदद से ऑक्सीजन गैस का निर्माण करती है। विद्यार्थी मित्रों, यह प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा वनस्पतियां अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस को वातावरण में मुक्त करती हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, वनस्पतियां भी श्वसन की प्रक्रिया जरूर करती हैं। इसके लिए वे ऑक्सीजन गैस का उपयोग करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में मुक्त करती हैं। परंतु जो वनस्पतियों में श्वसन की प्रक्रिया का दर है, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दर की अपेक्षा काफी धीमा होता है। इसलिए अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में जा पाती नहीं है, इसलिए वातावरण में ऑक्सीजन गैस का प्रमाण अत्यधिक बना रहता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पूर्ति है वह जीवों द्वारा कर दी जाती है। जो जीव हैं, जैसे कि मनुष्य या विविध प्रकार के प्राणी, वे वातावरण में रही ऑक्सीजन गैस को श्वास की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं और उच्छ्वास की प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में पुनः मुक्त कर देते हैं, जिसके कारण जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का प्रमाण है वह बना रहता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके वनस्पतियां अपने खोराक का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन गैस को भी उत्पन्न करती हैं। तो विद्यार्थी मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं? चलिए इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जंतु अपनी बहुत सारी आवश्यकताएं पौधों से ही प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और खोराक। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं वायु के कुछ अन्य उपयोगों की। आपने अपने गांवों में पवन चक्कियां देखी होंगी, या अपने घर के आसपास के विस्तार में किसी के छत पर छोटी वाली पवन चक्कियों को भी जरूर देखा होगा। वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी को निकालने तथा आटा चक्की को चलाने के लिए भी किया जाता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। इस प्रकार वायु जो है वह पवन चक्की को चलाने के लिए अत्यंत मददगार साबित होती है। इसके अलावा जो पैराशूट चलाने वाले लोग हैं वह वायु की सहायता से ही इसे उड़ा पाते हैं। पैराग्लाइडर भी बहती हुई वायु के कारण ही उड़ पाता है। जो एरोप्लेन है वह और जो समुद्री जहाज है यह भी वायु के कारण ही चल पाता है। पक्षियों तथा चमगादड़ों के उड़ने की जो प्रवृत्ति है यह भी गतिशील वायु के कारण ही संभव होती है। यह भी हवा में वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर से उधर जीवित फैलाने में भी सहायक होती है। जब कभी भी फूल से वायु के कण टकराते हैं तब उनमें रहे हुए जो पराग हैं वे वायु के द्वारा बहकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो कि नए पौधों के निर्माण के लिए महत्व की भूमिका अदा करते हैं। साथ ही जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। आशा करता हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने वायु के विषय में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी। आपने वायु के उपयोगों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की होगी। आपने यह भी देखा होगा कि जो जीव बिल में रहते हैं यानी जमीन के अंदर रहते हैं वे, और जो जीव पानी में रहते हैं वे पानी में घुली हुई वायु और मिट्टी के कणों के बीच रही हुई वायु का उपयोग करते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।